हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, अ राइनोसेरस बीटल राइड्स द रिम ऑफ ए स्मॉल डिस्क दैट रोटेट्स लाइक ए मेरी गो राउंड। इफ द बीटल क्रॉल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क, सो डू द फॉलोइंग, ईच रिलेटिव टू द सेंट्रल एक्सिस, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम फॉर द बीटल डिस्क सिस्टम एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक एक डिस्क है, उसमें राइनोसर एक बीटल मूव कर रहा है। तो अगर वो मूव करेगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो पूछ रहा है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें क्या बोल रहा है? हमारे पास एक ऐसा डिस्क है जिसमें आप, ये हमारा एक्सिस है, ओके, जिसमें ये हमारा एक्सिस हो गया, और यहाँ एक बीटल रन कर रहा है। किधर की तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क की तरफ रन कर रहा है, अंदर की तरफ रन कर रहा है। उसका मतलब अगर हम देखें तो हमारा यहाँ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा, हमें यहाँ क्या पता चल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब हमारा आई इंटू ओमेगा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ओके, दैट मीन्स एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, मतलब रिमेन्स द सेम, एल विल, मतलब एंगुलर मोमेंटम will remain same. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.